हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर। आपके पिछले कुछ दिन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहे, बट मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इस टॉपिक पे। सोचा आज बना लूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा ऑप्शन है या हेयर विग अच्छा ऑप्शन है। मेरी क्या राय है, मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि थोड़ी इस चीज़ की नॉलेज होगी। पिछले 4-5 साल से इसी चीज़ में है। कई मेरे पास बंदों के इंक्वायरी आते हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी हेयर विग लगाया था, बट वो ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं, तो वही आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ही आप एक यंग एज में होते हैं, टीन एज में होते हैं, 17-18 साल में, तो आपका हेयर फॉल होने लगता है। और हेयर फॉल का बड़ा कारण है आज के टाइम में केमिकल यूज़ करना बालों में, मतलब क्लरिंग करना, जेल लगाना, रिबॉन्डिंग करना, ये स्ट्रेटनर करना। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो हमारे बालों को ख़त्म कर देते हैं। शैम्पू भी आ रहे हैं, शैम्पू भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल झड़ने का, ख़त्म करने का। और कुछ हमारा खान पान तो है ही, हम ठीक से सो नहीं पाते और केयर नहीं कर पाते थोड़ा सा, इस वजह से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और आप जैसे कॉलेज में हो या ऑफिस में हो या आपकी शादी होने वाली, तो आप डरने लगते हैं, फेस करना आप मतलब बंद कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि यार सामने वाला मुझे देख के गंजा ना बोल दे, तो आप एक डर अंदर बैठ जाता है और आप कैप लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप हेयर विग लगाने की सोचने लगते हैं कि मेरे थोड़े से बाल, मान लो आपके आगे से गए थोड़े से या पीछे से गए, तो आप हेयर विग लगा लेते हैं। और हेयर विग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके रूट्स सब डेड हो जाते हैं। हेयर विग मान लो आपके थोड़े से बाल आगे के गए, पीछे के गए, इस कंडीशन में आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपका एकदम नेचुरल लुक आ जाएगा अगर आपका थोड़े से बाल गए हैं। बट अगर आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, हेयर विग लगाएंगे, यहाँ पे हेयर विग लगा लेंगे। विग लगाने से क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को ढक दोगे, मतलब कोई पौधा आपने ज़मीन में लगाया, कुछ भी ऐसा आपको ढक दोगे, तो देखो एक टाइम ऐसा आता है वो डेड हो जाता है। इसी तरह आपके रूट्स भी डेड हो जाएंगे, जैसे विग उसके ऊपर ढकी जाएगी तो आपके जो बाल है, रहे से जो बाल है, वो बिल्कुल रूट्स मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और जो उसमें चांस थे बाल आने की, मतलब दवाइयों के थ्रू, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे विग लगाने। तो विग का सबसे बड़ा नुकसान ये है, सबसे बड़ा नुकसान ये रहे से आपके बाल ख़त्म कर देता है बिल्कुल, ये आपका एरिया बिल्कुल प्लेन कर देगा। और यहाँ तक कि आपका जो डोनर, यहाँ जो पीछे डोनर होता है, जो आप ट्रांसप्लांट कराने, जिससे आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, वो भी विग यूज़ करने से ख़त्म हो जाता है। तो विग यूज़ करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करा सकते, आपका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है और डोनर आपका कमज़ोर है, तो आप ट्रांसप्लांट भी नहीं करा पाओगे। तो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये लगता है। और विग लगाने से आपको टाइम पे उसकी केयर करनी होती है, 15-20 दिन में या एक महीने में, आपको जहाँ आपने विग लगाई है वहीं आपको पेच लगाया है, तो वहीं आपको जाना पड़ता है उसकी थोड़ी सफाई कराने के लिए, आपको साफ कराना पड़ता है, फिर से आपको ट्रिम कराने पड़ते हैं बाल। इस तरह धीरे धीरे करके आपके बाल सारे ख़त्म हो जाते हैं और आपको हर महीने ऐसे जाना पड़ता है, और इसमें आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, खर्चा भी होता है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि मान लो आप ऑफिस में थे या जॉब में थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, मान लो आपको आपके दोस्तों को पता है कि आप गंजे हैं और अचानक से आप विग लगा के चले जाओगे, तो सबको पता है यार तू गंजा था, ये अचानक बाल कहाँ से आ गए, सब बोलेंगे नकली बाल है, आपके दोस्त ऐसे खींचेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं, सोसाइटी में सोच ही बन गई है कि जो बंदा गंजा है वो झंडू है, एक नंबर का झंडू है, सबकी सोच ये बन गई हमारी सोसाइटी में। जैसे आपका हेयर फॉल होने लगता है, आप कैप लगाने लगते हैं, फेस कर नहीं पाते, तो इस कंडीशन में आप हेयर पेज की तरफ को जाने लगते हैं। तो मैं उन सब भाइयों को कहता हूँ, हेयर पेज की तरफ को मत जाइए, उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा, और नकली बाल तो नकली होते हैं। आप कितनी अच्छी क्वालिटी की विग लगा लो, बट आपको बोल ही देगा कि ये विग है 100%। एक बंदा मैं खुद किसी को भी देखता हूँ तो मैं एकदम दूर से देखते बता देता हूँ कि ये विग है। तो इसलिए विग नकली बाल तो नकली होते हैं। अगर आपके पास डोनर है तो आप ट्रांसप्लांट कराइए, ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो मैं गंजा था और मेरे अब ये बाल है, इतने अच्छे बाल है, देख रहे हैं आप, ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से है, हेयर ट्रांसप्लांट से। तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेयर विग के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी है, इसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। गर्मी में तो आप उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, मान लो बहुत ज़्यादा हीट वाले एरिया में रहते हैं, लाइक दिल्ली में या साउथ में नीचे जहाँ बहुत गर्मी रहती है, वहाँ पे हेयर पैच या हेयर विग लगाना बहुत मुश्किल काम है। आपको लगातार गर्मी, ठंड में रहना पड़ेगा, एसी में या हवा में रहना पड़ेगा, आप अनकम्फर्टेबल रहेंगे हमेशा, नहाते हुए हमें आपको दिक्कत होगी, और नकली बाल नकली लगेंगे, और उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा। इससे अच्छा आप ट्रांसप्लांट कराएं, ट्रांसप्लांट अच्छा ऑप्शन है।
आपका डोनर अच्छा है तो आप ट्रांसप्लांट कराइए। मान लो अगर आपका डोनर सेम ग्रेड पहले से ही हो चुका और आपका डोनर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल विग लगा सकते हैं। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, फिलहाल तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, रिसर्च चल रही है, फ्यूचर में शायद आ जाए कि जिसके पीछे डोनर में भी बाल बहुत कम है वो फिर भी उसके सर पे बाल आ जाए, इस तरह की मेडिसिन फ्यूचर में आ सकती है, बट अभी कुछ नहीं पता कितने साल में आएगी। तो जिसका बिल्कुल डोनर भी ख़त्म हो चुका है, चेस में भी बाल नहीं है, बियर्ड में बाल नहीं, चेस में बाल नहीं, कहीं बाल नहीं है, तो वो तो वीक ट्राई कर सकता है। बट यार मेरा ये कहना है वीक से अच्छा है कि आप बालों को पूरे ट्रिम रखें, साइड को भी ट्रिम रखें, या पूरे स्कैल्प को आप क्लीन शेव रखें, तो आप फिर भी स्मार्ट लगेंगे। विग से अच्छा है अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते तो अपने बालों को, साइड के बालों को, ये सब को एक बराबर रखें। अगर आपके बाल कम भी हो तो ट्रिम करा के कुछ इस तरह का लुक रखें। इस तरह के लुक में आपके बाल लगभग किसी को ये महसूस नहीं होगा कि ये बिल्कुल गंजा हो चुका है। तो विग से अच्छा मुझे लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराए, या फिर बालों को अगर आपका हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है तो आप बालों को छोटा कराए, उसका इलाज कराए, या फिर ट्रांसप्लांट करा ले। और मेरे पास कुछ इस तरह की इंक्वायरी भी आती है, उन्होंने विग ट्राई कर चुके हैं, ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं पिछले 1-2 साल से, अब वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ को जा रहे हैं। काफ़ी बंदे मेरे से मतलब पूछते रहते हैं, मेरे पास फोटो भेजते रहते हैं कि साहिल भाई मैं विग यूज़ कर करके परेशान हो गया, मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर आपका डोनर अच्छा है तो पक्का सक्सेसफुल होगा। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप सबसे पहले ट्रीटमेंट लीजिए, कैप लगाना बिल्कुल मत ट्राई कीजिए, कैप मत लगाइए, मैंने भी यही गलती की थी, आप भी ये गलती मत कीजिए। आपका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लीजिए या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लीजिए, ऑप्शन तो है ही हेयर ट्रांसप्लांट का। बस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा यही समझाना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाइयों लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे बनाए रखना। एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।